اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقه الموت فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا हर मोमिन जानता है कि हमारी दुनिया की यह जिंदगी टेम्परेरी जिंदगी है आरज़ी जिंदगी है चंद दिन की जिंदगी है और अल्लाह ने यह जिंदगी हमें खास मकसद से दी है अगर हमने अपनी ये जिंदगी बा मकसद गुजारी तो का कामयाब है और अगर हमने ये जिंदगी जाए की बेमकसद गुजारी तो आगे घाटा ही घाटा और टोटा ही टोटा अल्लाह पाक का इरशाद है अल्लाह वो हस्ती हैं जिन्होंने मरना और जीना पैदा किया यानी हमारी ये दुनिया की जिंदगी बनाई इसी में इंसान जीता है जिंदा होता है और फिर एक वक्त गुजार करके मर जाता है इस दुनिया में आने से पहले की जो जिंदगी है उसमें हम जिंदा हैं फिर मरे नहीं और इस दुनिया के बाद जो जिंदगी आएगी उसमें भी हम जिंदा होंगे फिर मरेंगे नहीं यही एक दुनिया की जिंदगी है जिसमें हम जीते भी हैं और मरते भी हैं। जीते और मरते हमारी बॉडी जीती मरती है इस बॉडी में जो रूह है वो रूह तो जब से पैदा हुई है उस वक्त से कंटिन्यूस जिंदा है और ता अब जिंदा रहेगी रूह मरती नहीं इल्म कलाम के एक बड़े इमाम गुजरे हैं अबुल हसन अश अली महुल्ला उनकी बात किसी ने एक शहर में पिरोई है ये नुकता सीखा मैंनेबुल हसन से <स्थाथ> शायर कहता है हजरत अबू अबुलह, अबुल हसन अशरी रहे महुल्ला से मैंने एक गुर की बात सीख ली जान ली ये नुकता सीखा मैंने अबुल हसन से कि रूह मरती नहीं मर गए बदन, बदन मरता है उसके मरने से रूह नहीं मरती रूह तो रूहें जब आदम अलतम को पैदा किया था उसके बाद मान फौरन तमाम इंसानों की रूहें पैदा कर दी थी फिर उनके उनको दर से मारफत दिया अल्लाह ने अपनी पहचान करवाई फिर उनका एग्जाम लिया पूछा अलस तो क्या मैं तुम्हारा परवरदेगार नहीं हूं ने बयक जुबान जवाब दिया भला क्यों नहीं आप अगर हमारे परवरदेगार नहीं है तो और हमारा परवरदेगार है कौन इस वाक्य का इस वाक्य का जिक्र कुरान करीम में सुर आराफ में है इस वाक्य के बाद तमाम इंसानों की रूहें आलम अरवाह में रख दी गई है फिर जब उस रूह के इस दुनिया में आने का वक्त आता है तो पहले माँ के पेट में बच्चा दानी में बाड़ी तैयार होती है जब बाडी तैयार हो जाती है तो अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देते हैं वो उस रूह को लाकर इस बाडी में डालती है जिसके लिए ये जिसम तैयार हुआ है और जिसम जिंदा हो जाता है और मां के पेट में बच्चा हरकत करने लगता है फिर बच्चा चार महीने और पेट में रहता है फिर दुनिया में पैदा होता है यानी जाहिर होता है पैदा फारसी लफ्ज है उसके माने है जाहिर होना नथिंग से थिंग बनना ये पैदा के माने नहीं है चार महीने पहले माँ के पेट में वो नथिंग से थिंग तो बन गया और कौन बना बॉडी बनी रूह तो इससे पहले वजूद में आई रूह जब बदन के साथ मुकारिन हुई मिली तो अब जिसम भी नथिंग से थिंग बन गया फिर चार महीने के बाद दुनिया में पैदा हुआ इन बच्चा फिर पलता है बढ़ता है बढ़ते बढ़ते आखिरी हद को पहुंच जाता है फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि आदमी मर जाता है बाडी यही दुनिया में पड़ी रहती है और रूह आगे गई और ये बाडी मिट्टी के हवाले कर दी जाती है ये कह कर कि मिन्हा खलक नाकुम इसी मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया वह फीहा नोरी दो और इसी मिट्टी में हम तुम्हें रिटर्न कर रहे हैं किसको बाडी को वह मिन नुखरी जो कुमता रतन उखरा और हम इसी मिट्टी से तुम्हें दो एक मरतबा और निकालेंगे वो कयामत का दिन है जब सूर फूकेगा फूका जाएगा तो तमाम अजसाम हमारे इसी जमीन में से फिर उग आएंगे अब माँ के पेट में अजसाम नहीं तैयार होंगे जमीन उजड़ी हुई होती है बारिश होती है तो जमीन में से बेशुमार सब्जा उगाता है इसी तरह से जमीन में से बाडियां निकल आएंगी जब तमाम अजसाम वजूद में आ गए तो हमारी रूह जो मरने के बाद पास अवे आगे बढ़ गई है वो रेवस आएगी माद और आकर के जिसम में रूह दाखिल हो जाएगी और ये है मौत के बाद की नई जिंदगी अल्लाह पाक जल्ला शाह नहु ने इशाद फरमाया कि जो भी मखलूक सांस लेने वाली है उसको मौत का मजा चखना है एक दिन जिसम को मरना है कुल नफ्स इन रातुल मौत हर नफ्स मौत का मजा चखने वाला है और इस दुनिया में जो हमने अच्छा या बुरा काम किया इसका बदला इस दुनिया में नहीं है अच्छे कामों का बदला भी नहीं है और बुरे कामों की पनिशमेंट भी नहीं है सजा भी आगे है और बदला भी आगे है ये दुनिया तो आखिरत की खेती है खेत होता है उसमें गेहूं बोते हैं तीन महीने में गेहूं तैयार होते हैं फिर वो गेहूं घर में आ जाते हैं फिर साल भर खाते रहते हैं इसी तरह से ये दुनिया आखिरत की खेती है यहाँ वो वहां काटो यहाँ मेहनत करके फसल तैयार करो और अगली जिंदगी में उस फसल से फायदा उठाओ तो फरमाया के कुल नफ सिं मौत व इन नमा तो फो नजूर कम क्या तुम्हारे नेक आमाल का बदला तुम्हें कयामत के दिन मिलेगा इस दुनिया में नहीं ये दुनिया तो काम का टाइम है जैसे हम नौकरी करते हैं महीना भर तक सुबह शाम अप डाउन करते हैं अपना ही पेट्रोल खर्च करते हैं अपनी ही गाड़ी लेकर भागे भागे जाते हैं और शाम को खाली हाथ घर लौट कर आते हैं इस उम्मीद पर के महीना खत्म होकर अगली महीने की पहली तारीख लगेगी तो थेला भर करके डालर लाऊंगा इस उम्मीद पर पूरा महीना दौड़ दुब करता है मेरे भाइयों ये दुनिया की जिंदगी एक दिन का सोवा हिस्सा है अल्लाह पाक का इरशाद है वह इन न इंदा रबिका का अल्फ सनत मतउद्दून अल्लाह के यहाँ का एक दिन और तुम्हारे यहाँ के थाउजेंड ईयर इक्वल है बस अगर किसी को सौ साल की भी जिंदगी मिल गई तो दिन का दसवां हिस्सा उसे जिंदगी मिली इतनी जरा सी जिंदगी है इतनी जिंदगी इंतजार करना है कि तुमने जो आमाल साल किए हैं उसका बदला बहुत जल्द मिलने वाला है तुम्हें जल्दी मत मचाओ घबराओ मत कोई ये सोचे कि दुनिया में हमें अपने अमाल सालिहा का बदला क्यों नहीं मिला दुनिया में मिल जाए तो फरमाया वमल हयात दुनिया इला मता ये दुनिया की जिंदगी जो है ये तो चंद दिन फायदा उठाने की जिंदगी है और आदमी उससे धोखा खाए रहता है वो समझता है कि मेरी ये दुनिया की जिंदगी हमेशा रहने वाली है हमेशा रहने वाली नहीं है ये धोखे की जिंदगी है और ये दुनिया जो है ये चंद दिन फायदा उठाने की चीज है चूल्हे पर औरतें एक कपड़ा रखती हैं जिससे डेगी पकड़ करके उतारती चढ़ाती हैं उर्दू में उसको कहते हैं साफी ये पुराना कपड़ा चीथड़ा लाकर चूल्हे पर रखती हैं और उससे देखती चढ़ाती उतारती हैं जब वो मेला हो जाता है तो उसे धोती नहीं है उसे डस्टबिन के हवाले फिर दूसरा एक चीथड़ा लाकर चूल्हे पर रख लिया ये जो साफी है चूल्हे की का कपड़ा ये मता है चंद दिन फायदा उठाने का सामान हफ्ता चलेगा पंद्रह दिन चलेगा फिर मेला हो जाएगा डस्टबिन के हवाले करेंगे दूसरा टुकड़ा ला कर रखेंगे तो ये दुनिया तो हमारे पास साफी के मानद है एक थोड़े से वक्त के लिए हमारे पास रहेगी उसके बाद हम ये दुनिया हमारे पास नहीं रहेगी इसे डस्टबिन के हवाले किया जाएगा कामयाब जिंदगी आगे की जिंदगी है अल्लाह पाक जल्ला शानु हु अब मनवालु हुं ने अगली ज़िंदगी के बारे में इरशाद फरमाया इन अल्लाही ना आमनु अमलु स्वालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौ से नुजुलम बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए आजकल हम मुसलमान एक बहुत बड़ी गलत फहमी में है ईमान और नेक काम का जो बाहमी ताल्लुक था वो ताल्लुक हमने तोड़ लिया और हम ये समझने लग गए कि बस ईमान काफी है न मुस्बत और न मनफी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से अमल की कोई अहमियत नहीं है ये आज मुसलमानों एक बहुत बड़ी गलत फहमी के शिकार हो गए जबकि कुरान और हदीस को हम पढ़ते हैं तो ईमान और अमल साले में चोली दामन का साथ बयान किया गया है बीच में वाह लाया गया है इन लजीना आमनु वाह और उलमा जानते हैं वाव जमा के लिए आता है दो चीजों को इकट्ठा करने के लिए वाव आता है तो ईमान भी है और ईमान के साथ नेक अमाल भी है तो ऐसे बंदों के लिए बेहिश बरी का गार्डन जन्नात गार्डन गार्डन्स एक बाग नहीं बहुत सारे है मिलेंगे और वो मेहमानी के तौर पर मिलेंगे भीख का टुकड़ा नहीं होगा साइल आता है भिकारी आता है तो हम आटा रोटी सालन रुपया डॉलर फेंकते हैं ले ये भीख का टुकड़ा है तो बेहिशते बने हाई क्लास गार्डन्स ये जो हाई क्लास गार्डनज हैं ये मेजबानी के तौर पर मेहमानी के तौर पर मिलेंगे भीख की हाजतमंद को जिस तरह से देते हैं उस तरह से भीख का टुकड़ा नहीं होंगे इन लवी न आमन वमिलहत कानत लहुम, जन्नातुलफिर से नुजुलन वो बागात मिल गए अब उन बागात में हमेशा हमेशा रहना है खालिदीन अफीहा उन बागात में मोमिनीन जिन्होंने नेक अमल भी किए हैं साथ में वो उन बागात में हमेशा हमेश के लिए रहेंगे वो वहां से मुंह होना चाहेंगे ही नहीं जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो वहां से मुंह होना नहीं जाएंगे देखो इंसान की तबीयत उक्ताहट महसूस करती और उक्ताहट महसूस करता है तो फिर आदमी रीनवल कर लेता है घर में फर्नीचर फरनी, फर्नीचर ला कर लगाया पांच सात साल होए कि उस फर्नीचर से तबीयत हट गई वो फर्नीचर सारा दरवाजे पर ढेर कर दिया नया फर्नीचर ला करके कर डाल दिए गाड़ी लाते हैं आप बड़ी कीमती दस बीस साल होते होते तबीयत हट जाती है और गाड़ी में कोई खराबी नहीं पैदा हुई खाम खा उसको यूज कार में भेज दिया और नई गाड़ी लेकर आए तो ये इंसान की फितरत है वो उकताहट महसूस करता है बस जब ये फितरत है तो ये फितरत तो जन्नत में भी रहेगी फितरत थोड़ी बदलेगी जो नेचर है फितरत है वो बदलता नहीं है वो जन्नत में भी यही फितरत रहेगी मैं मिसाल दूं दुनिया में एक मर्द को हसब जरूरत चार बीवियों तक की इजाजत दी गई हसब जरूरत इंसाफ की शर्त के साथ बेज़रूरत नहीं सब जरूरत और इंसाफ की शर्त के साथ चार बीवियों तक की इजाजत दी गई बाज एजुकेटेड औरतें ये पूछती हैं कि जन्नत में जन्नतियों को सत्तर हुए मिलेंगे, तो जन्नती औरतों को कितने शोहर मिलेंगे ये बात एजुकेटेड औरतें पूछती हैं कि जब जन्नत में सत्तर हुए मिलेंगे कई एक जन्नति को तो जन्नत औरत की औरत यही दुनिया की मोमिन औरत जो नेक काम करके जन्नत में पहुंचती है उसे कितने शोहर मिलेंगे तो हम उसे कहते हैं जन्नत की पंचायत बाद में करना पहले दुनिया की पंचायत कर लो कि दुनिया में एक औरत को कितने शोहर की जरूरत है दुनिया में एक औरत का एक वक्त में एक ही शोहर हो सकता है यही नेचर जन्नत में होगा नेचर तो बदलता नहीं है और दुनिया में एक औरत के लिए एक वक्त में एक ही शोहर क्यों है बीवी सुकून हासिल करने के लिए शोहर बीवी के पास पहुंचकर सारे गम भूल जाता है वो जला भाई नकुम मवदतु वरमा तुम्हारे दरमियान में फैमिली लाइफ में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है और मेहरबानी रखी है और आप जानते हैं दुनिया में झगड़े तीन ही चीजों की वजह से होते हैं जर पैसा जन औरत और जमीन जायदाद यही तीन चीजों के दुनिया में झगड़े हैं अब अगर एक औरत के दो या ज्यादा शोहर होंगे तो शोहर को उस बीवी के पास जाकर के कौन सी बीवी हर जाई, आज रात इसके यहाँ कल रात उसके यहाँ परसों रात उसके यहाँ है ऐसी हर जाई औरत के पास जाकर क्या सुकून मिलेगा और न सिर्फ एक सुकून नहीं मिलेगा ये जो तीन शोहर हैं, ये हर वक्त एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे रहेंगे उसको मार डालना चाहेगा ये उसको मार डालना चाहेगा चाहे तो फैमिली लाइफ बे फायदा हो गई इसलिए दुनिया में जो सूरत हाल है वही सूरत हाल जन्नत में वाकई रहेगी नेचर बदलता नहीं है दुनिया में जो नेचर है वही जन्नत में और जन्नत में जो नेचर है वही नेचर दुनिया में रखा गया है तबीयत और फितरत बदलती नहीं है लेकिन बीवी और शोहर के अलावा दूसरी चीजें दूसरी चीजों में नेचर यही है फर्नीचर आदमी बदल देता है गाड़ी आदमी बदल देता है मकान बदल देता है हाउस में रह रहा था जेब गर्म हो गया तो अब मेंशन खरीदेगा पंद्रह बीस साल मेंशन में रहा और जेब गर्म हो गया तो अब कासल खरीदेगा वहां तो कासल में जाते जाते मौत आ जाती है तो नेचर है इंसान का गरीब आदमी है उसके पास असबाब नहीं है उसकी बात अलग है लेकिन अगर आदमी के पास असबाब है तो मकान भी बदलना चाहता है बल्कि आपके इस मुल्क में तो बीवियां भी बदलना चाहते हैं काफिर काफिर बीवियां भी बदलना चाहते हैं बल्कि बीवी नाम का तस्वूर ही उनके यहां खत्म है गर्लफ्रेंड होती है आज इससे दोस्ती गांठ ली कल उससे गांठ ली परसों इससे दोस्ती गांठ ली हर दिन एक नई गर्ल फ्रेंड है उनके यहां तस्वूर ही नहीं है वाइफ का लेकिन इस्लाम तो दीन रहमत है अल्लाह का नाजिल किया हुआ दीन है इस दीन में फैमिली लाइफ मजबूत लाइफ है कि मर्द हमेशा के लिए बीवी का होकर रह जाए और बीवी हमेशा के लिए शौहर की होकर रह जाए लेकिन इनके अलावा दूसरी चीजों के अंदर जो इंसान की उक्ताहट महसूस करने वाली फितरत है वो फितरत जन्नत में जाहिर नहीं होगी ला बुन आना है जन्नती जन्नत से मुंह होकर कहीं और जाना चाहेंगे ही नहीं क्यों नहीं चाहेंगे जब फितरत है और नेचर है तो क्यों मुंह होना नहीं चाहेंगे एक हदीस शरीफ में इसकी वजह बतलाई गई फरमाया जन्नत में पहुंचने के बाद हफ्ते में एक मरतबा पर वीक एक मार्केट लगेगा जन्नत में तमाम मर्द मार्केट में पहुंचेंगे उस मार्केट का नाम है सुकुल हुस्न ब्यूटी का की मार्केट वहां सिर्फ जन्नत ही जाएंगे औरतें नहीं जाएंगी। आजकल जो हमारी औरतें मार्केट में जाती हैं, जॉब करती हैं खरीदारी करती हैं, घर के सामान लेकर आती हैं, ये सब गैर मजहब के असर आते हैं। इस्लाम में औरत खानादारी की जिम्मेदार है उसको घर संभालना है बाकी सारे बाहर के काम मर्द को करने हैं। तो मार्केट में जन्नत की मार्केट है नाम है उसका शूकुल हुस्न ब्यूटी की मार्केट जन्नति वहां पहुंचेंगे उस मार्केट में क्या है उस मार्केट में जो तरह तरह का फर्नीचर है और उस मार्केट में तरह तरह की सूरतें हैं बेहतर से बेहतर उसमें दो जो तुम्हें सूरत पसंद आए वो फौरन तुम्हारे अंदर मुंतकिल हो जाएगी तुम्हारे तुम्हें, तुम्हें जन्नति को वो सूरत मिल जाएगी और जो फर्नीचर पसंद ना आया वो पसंद किया और वो घर में जाकर लग गया और जब ये जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे ये जो मैं हदीस बयान कर रहा हूं ये हदीस की मशहूर किताब रियाज सालेहीन के आखिर में है लंबी हदीस है रियाज सालेहीन के आखिर में जब वो जन्नती मार्केट में जाएंगे तो पीछे अल्लाह ताला जन्नतियों के घरों में ब्यूटी की बारिश बरसाएंगे जन्नती औरतें उस बारिश में नहाएंगी तो उनका हुस्न दोबाला हो जाएगा वो जन्नती वहां गए वहां उन्होंने जो सूरत पसंद की वो सूरत इनके अंदर आ गई और इधर घरों के अंदर अल्लाह ने ब्यूटी की बारिश बरसाई जन्नती औरतें उसमें नहाई तो उनका हुस्न दो वाला हो गया जब जन्नती घर वापस आएंगे तो अपनी बीवी को देखकर दंग रह जाएंगे और वो कहेंगे खुश नसीब जब हम गए घर से तब तो तुम इतनी खूबसूरत नहीं थी अब तो तुम बेहद खूबसूरत नजर आ रही हो तो औरतें कहेंगे अपने शोहरों से कि मेरे सरताज आप जब घर से गए थे उस वक्त तब आप भी इतने खूबसूरत नहीं थे अब तो मुझे उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे तो मर्द जवाब देंगे हम मार्केट में गए थे ब्यूटी की मार्केट में गए थे वहां मुझे एक सूरत पसंद आ गई तो अल्लाह ने मुझे वो सूरत दे दी तो वो खातन कहेंगी कि तुम्हारे जाने के बाद अल्लाह ने बारिश बरसाई हम उस बारिश में नहाए तो हमें अल्लाह ने खूबसूरत बना दिया ये इम्प्रूव पर विक होगा मर्दों का हुस्न भी बढ़ेगा औरतों का हुस्न भी बढ़ेगा और हर हफ्ते बढ़ेगा और हर हफ्ते घरों के अंदर फर्नीचर भी बदला बदला जाएगा पर जब सूरत हाल जन्नत में ये होगी तो आदमी वहां से मुंह होना क्यों चाहेगा उकताहट क्यों महसूस करेगा तो हर हफ्ते बदल रहा है सूरत हाल बदल रही है तो इसलिए फरमाया कि लाए बहु नानवलन जन्नती जन्नत से दूसरी जगह मुंतकिल होना चाहेंगे ही नहीं मुंह होना चाहेंगे ही नहीं मेरे भाइयों हदीस शरीफ में इस मजमून को इस तरह भी समझाया गया है कि ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर का गार्डन है कुछ लोग सोचते हैं कहा कैद खाना है मोमिन का सारी दुनिया में मोमिन घूम फिर रहा है मजे उड़ा रहा है कहा कैद खाना है और काफिर का बाघ है कहा बाघ है बहुत से काफिर हैं, भूखे मरते हैं तो मेरे भाइयों इसको समझो जेल खाने की दो खसूसियतें हैं एक जेल खाने में कैदी की मर्जी नहीं चलती जेलर के अहकाम का फॉलो करना पड़ता है, वो जो चाहे करे जेल में नहीं चलेगा कैदी की मर्जी नहीं चलती है, जेलर का जो हुक्म है उसका फॉलो करना और दूसरी खसूसियत जेल खाने की यह है कि चाहे कितना भी वक्त कोई जेल खाने में रह जाए उसका जी जेल खाने में नहीं लगेगा हर वक्त बेताब रहेगा कब छुट्टी मिले जेल से भागू यहां से एक जेल भर गई थी जज ने जेलर को आर्डर भेजा कोई बहाना बनाकर जेल खाली करो आगे मुजरिमों को भेजना है जेल भर गई तो जेलर ने तमाम कैदियों को बुलाया और कहा जो जितनी मुद्दत से जेल में है उस एतवार से लाइन लगा दो लगा दी सबने लाइन वो छोटे मोटे बहुत से गिफ्ट लाकर उसने रखे थे एक को बुलाया कब से है तू तो? का छह महीने से हूं अच्छा लेटा पीस जा घर हो छुट्टी भी मिल गई और टाइम पीस भी मिल गया इसी टाइम पीस से टाइम पास करेंगे दूसरे को बुलाया अभी तू कब से है उसने कहा मैं एक साल से हूँ अच्छा तू तो एक साल से है ले चल मोटरसाइकिल ले घर जा तो सबसे आखिर में एक चाचा खड़े थे वो बीस साल से जेल में थे तो वो सोच रहे हैं कि किसी को टाइम पीस मिली किसी को साइकिल मिली किसी को ये किसी को ये जब अपन का नंबर आएगा तो पूरी बिल्डिंग मिलेगी बड़े खुश अपन तो 20 साल से हैं अपना नंबर आएगा तो उनका नंबर भी आया पूछा चचा कब से हो कहा हम 20 साल से कहा अच्छा 20 साल से हो जी कहने लगे तुम तो हमारी पुरानी यादगार हो यहीं रहो अब बेचारे दिल महसूस कर रहे गए कितनी तमन्नाएं भागने की थी अब हुक्म मिला गए तुम तो पुरानी यादगार हो यहीं रहो तो 20 साल जेल में रहने के बाद भी तबीयत उस बंदे की नहीं लगी ये जेल की खसूसियत है चाहे कितना भी जमाना जेल में रहे तबीयत नहीं लगेगी और जेल में जेलर के आहकाम का फॉलो करना है उसके हुक्म के खिलाफ एक सांस भी नहीं ले सकते वो जो कहे वही करना है अब मेरे भाइयों समझो ये दुनिया मोमिन का जेलखाना है यानी यहाँ मोमिन के लिए आजादी नहीं जेलर ने जेलर ने यानी खाली को मालिक ने अल्लाह ताला ने उसके लिए आर्डर्स भेजे हैं कुरान और हदीस में अहकाम भेजे हैं उन आहकाम का फॉलो करना है कदम ब कदम उन्हीं आहकाम पर चलना है उन आहकाम से एक कदम भी इधर उधर हटाने की इजाजत नहीं और अगर ईमान है और अमल साले है तो बंदा मरने के लिए बेताब रहता है ये तो हम जो मरने से डरते हैं इसलिए डरते हैं कि ईमान तो जैसा वैसा है, है 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 मगर अमल की सूरत हमारी बहुत खराब है इसलिए हम डरते हैं कि मरने के बाद न मालूम क्या मामला पेश आएगा लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो तो मरने के लिए बेताब होते थे साहब है जमयन जब मैदान में उतरते थे तो रज़द पड़ते थे नल्क, मुहमद आज शहीद होंगे कल हमारी मुलाकात होगी महबूबों से नबी पाक सल्लाह से और दूसरे दु, मोमिन से कल मुलाकात हो गई ये रज पढ़ते पढ़ते मैदान में उतरते थे वह आज शहादत मिली और कल हुजूर से मुलाकात आरा के हिसाब बेबाकस्त अज चेबाक जिसका हिसाब साफ सुथरा है उसको ऑडिटर आकर हिसाब चेक कर रहे तो करे भाई हमारा क्या बिगड़ेगा उसको ऑडिटर का क्या डर है आराब बेबा बेबाक जिसका हिसाब साफ है उसको ऑडिटर से क्या डर है जब भी आओ आकर कर लो चेक हमारा लेकिन हिसाब अगर साफ ना हो तो फिर दिल हिलता है कि ऑडिटर आ गया और उसने हमारी बदमाशी पकड़ ली तो क्या होगा इसलिए अल्लाह के नेक बंदे तो मरने के लिए बेताब रहते हैं उनका दुनिया में जी नहीं लगता इस एतबार से ये दुनिया मोमिन का खाना है कि इस दुनिया में उसे अपनी मर्जी नहीं चलानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी चलेगी और उसी का हमें फॉलो करना है एक कदम भी सेराते मुस्तकीम से दाएं बाएं नहीं हटाना और ऐसा बंदा अल्लाह की मुलाकात के लिए हर वक्त बेताब रहता है और अल्लाह की मुलाकात होगी मौत के बाद लिहाजा वो मौत के लिए बेताब है और ये दुनिया काफिर के लिए गार्डन है गार्डन की भी दो खसूसियतें एक गार्डन में ऐसा जी लग जाता है कि शाम हो जाती है अंधेरा छा जाता है तो आदमी जख मार करके घर वापस लौटता है वरना उसका जीव उस गार्डन से वापस आने को जी चाहता नहीं दूसरी खसूसियत यह है कि गार्डन में कोई लॉ नहीं है जहां चाहो घूमो फिरो कोई पाबंदी नहीं है पाबंदी हो सकती है तो एक ही हो सकती है कि फूल मत तोड़ो पौधा खराब मत करो ये तो पाबंदी हो सकती है बाकी घूमने फिरने की कोई पाबंदी नहीं काफिर के लिए दुनिया बाग है वला या कफरू फिल बिलाद ये जो अल्लाह के दीन को नहीं मानते वो सारी दुनिया में मटर गश्ती करते फिरते हैं इससे तुझे धोखा नहीं होना चाहिए बैल को जब खेत में चरने के लिए छोड़ते हैं तो उसके नाक में एक रस्सी होती है उससे दूसरी रस्सी बंधी हुई होती है तो मालिक रस्सी लेकर बैठा है ज्यो ज्यो बैल आगे बढ़ता है कि रस्सी ढीली करता जाता है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसको इस कहते हैं ढील दे रहा है फिर खेत आ गया अनाज का अब बैल उसमें मुंह मारना चाहता है तो जोर से झटका देता है तो उसके नाक में इतनी सख्त जद पहुंचती है कि फौरन बैल पीछे आ जाता है तो ये तो काफिर का इस्तेदरा है अल्लाह रस्सी डीली छोड़ रहे हैं घूम ले भटक ले जितना ऐश मौज करना है कर ले वक्त आने दे वक्त आएगा मुंडी पकड़ के तोड़ देंगे लिहाजा काफिर के लिए कोई पाबंदी नहीं है उसे नमाज नहीं पढ़नी उसे जक़त नहीं देनी उसे रोजा नहीं रखना उसे नेक काम नहीं करना उसे ये नहीं करना वो नहीं करना और जितनी बुराई चाहता है कर कोई पाबंदी नहीं दूसरी ये है दूसरी खसूसियत यह है कि बाग में ऐसा जी लग जाता है कि बाग से वापस लौटने को चाहता ही नहीं काफिर का दुनिया में ऐसा जी लगा रहता है कि वो दुनिया से गुजरना नहीं चाहता है मरना नहीं चाहता है यहूद का हाल कुरान करीम में बयान किया गया है वोला ये तमन्न नहु अबदम बिना ये यहूद मौत की कभी तमन्ना कर नहीं सकते उन कामों की वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उनको मालूम है कि हमने क्या करतूत कर रखे है और क्या चीज आगे भेज रखी है मरते ही उसकी जजा आएगी तो यहूदी कभी मौत की तमन्ना कर नहीं सकते यही हाल यहूद का नहीं हमारे अंदर हम जो मुसलमान कहलाते हैं उनमें अल्लाह के नेक बंदे तो मौत की तमन्ना करते हैं पाकिस्तान के एक बड़े हजरत गुजरे हैं हजरत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी लंदन में मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई साथियों ने चाय पानी टी पार्टी मेहमान के एजाज में की थी उन्होंने सिर्फ शोरबे का चम चमचे दो तीन चम्मच जूस के जूस नहीं क्या कहते हैं मुर्गी का निकालते बनाते सूप दो तीन चमचे पिए फिर साथियों ने सब उड़ा दिया जो जवान दस्तरखान पर बैठते हैं वो दस्तरखान साफ करने के लिए बैठते हैं। जब दस्तरखान साफ हो गया दस्तरखान उठ गया सब चले गए तो हम दोनों रह गए तो हजरत ने मुझसे फरमाया मौलवी साहिब सामान बांध कर तैयार बैठा हूं जब बुलावा आ जाए एक सामान बांध के तैयार बैठा हूं जब बुलाओ आ जाए, हम जुदा हुए, मैं इंडिया गया वो पाकिस्तान गए एक महीने के बाद में इतला आई कि, कि किसी ने गोली मार दी वो शहीद हो गए तो अल्लाह के नेक बंदे तो अल्लाह से मिलने के लिए बेताब हैं, और अल्लाह से मिलना मौत के बाद होगा लेकिन जिनका किरदार सही नहीं है करने के काम किए नहीं है न करने के काम कर रखे हैं तो हम मुसलमानों में भी मौत की तमन्ना बड़ी मुश्किल से करता है ऐसा बंदा उसे मालूम है कि मरने के बाद मेरा क्या हशर होना है क्या हाल होना है तो मौत की तमन्ना बड़ी मुश्किल से करता है बस मेरे भाइयों ये कसौटी है कसौटी जानते हो पहले एक पत्थर होता था उस पर सोना को रगड़ो सफेद लकी तो सोना खरा है काली लकी आई सोना खोटा है वो पत्थर होता था वो कसोटी कहलाता था ये कसौटी है अपने गलेबंद में मुंह डालो झांको और मरने के लिए तुम तैयार हो या नहीं हो अगर तुम दिल से मरने के लिए तैयार हो तो समझ लो कि तुम्हारा ईमान और ईमान के साथ आमाल सालेहा की दौलत तुम्हें हासिल है और अगर तुमने घरे में झांका और जी मरने के लिए तैयार नहीं है तो समझ लो कि ईमान में खोट है या ईमान सही है तो फिर आमाल में कमी है इस वजह से मरने के लिए तैयार नहीं किसी जगह जाना है वहां हमारा रिस्पेक्ट होगा इस्तेमाल होगा हाथों हाथ हमें लिया जाएगा पुलाव जरदा खिलाया जाएगा तो आदमी बेताब रहता है वहां पहुंचने के लिए और अगर मालूम हो जाए कि वहां पहुंचूंगा फौरन पुलिस खड़ी होगी हथकड़ियां लेकर और हथकड़ियां डालकर जेल में पहुंचाएगी तो कभी भी जाने के लिए तैयार नहीं हो तो ये कसौटी है इस कसौटी पर मुझे भी आपको भी हरेक को अपना जायजा लेना है कि मेरे ईमान और अमल का क्या हाल है इससे फैसला हो सकता है तो जो मोमिन है उसका हाल तो यह है लेकिन काफिर है वो तो कभी भी मरना नहीं चाहता यवद हूम लव यौमर अल्फ सना ये जो अल्लाह के दीन का इनकार करने वाले बंदे हैं वो तो ये तमन्ना रखते हैं कि थाउजेंड ईयर्स की लाइफ मिल जाए थाउजेंड ईयर के अस्सी साल के बाद में आंखें काम करना छोड़ देती हैं, कान सुनते नहीं मुंह में एक दांत नहीं रहा टांगों में ताकत नहीं रही हाथों को पकड़ने की सकत नहीं रही पूछो चचा मरना है नहीं बेटा अभी मुझे सौ साल जीना है मरने के लिए तैयार नहीं चेचा सारे आजाद ने जवाब दे दिया मगर वो मरने के लिए तैयार नहीं ये लाइफ की ऐसी माया और मोहब्बत अल्लाह ताला ने रखी है कितना भी गया गुजरा हो जाए मरने के लिए तैयार नहीं है लेकिन अल्लाह के नेक बंदों का ये हाल नहीं है ये काफिरों का हाल है या वो लोग जो काफिरों जैसे आमाल करते हैं उनका ये हाल है बहरहाल हाल गार्डन की दो खसूसियतें दिल लग जाता है तो काफिर का दिल इस दुनिया में लगा हुआ है दूसरा कोई पाबंदी नहीं है गार्डन में जिधर चाहो घूमो फिरो काफिर के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है वो भी सारी कोई काम हर बुराई करता है हर नए काम से दूर भागता है इस माना करके हदीस शरीफ में फरमाया गया कि दुनिया सिज़नुल काफिर दुनिया काफिर का खाना है और मोमिन का नहीं दुनिया मोमिन का खाना है और काफिर का बाग है फिर इस दुनिया के बाद जब दूसरी दुनिया आएगी तो मामला उलट जाएगा कभी प्रेस में आप गए जिस पलेट से कागज पर छपता है उस पलेट पर देखो उल्टे हरफ होंगे उस पर रुला घूमेगा फिर वो कागज पर जाकर पलेट लगेगी तो सीधे हरफ हो जाएंगे और परेश में जाने की क्या जरूरत है हर आदमी की ऑफिस में रबड़ की मोहर होती उस मोहर को यूं करके देखो सारे उल्टे हैं उसको सियाही में बसा करके कागज पर जमाया तो हो गए ये नक्शा आखिरत में बल पलट जाएगा आखिरत में मोमिन के लिए जन्नत है बाग है और बाग नहीं बागात हैं एक नहीं बेहिसाब बागात हैं और काफिर के लिए जहन्नम है और जहन्नम के बारे में सूर्य बनी इसराइल में है वो जाल ना जहन्नम अली काफिरी हमने जहन्नम को काफिरों के लिए जलखाना बनाया जब काफिर जहन्नम में पहुंचेगा तो जहन्नम का जो जेलर है उस फरिश्ते का नाम है मालिक जो जहन्नम का दारोगा है सुपरंटेंडेंट है उसके आर्डर के खिलाफ सांस नहीं ले सकता जहन्नमी जिस तरह उसका हुक्म होगा उसी तरह से में काफिरों को रहना है और ताब रहना है मगर उनका जहन्नम में कभी भी दिल लगेगा ही नहीं बार बार मालिक के यहां दरख्वास्त देंगे कि हमें एक दिन हफ्ते में हॉलीडे का मिलना चाहिए छुट्टी मिलनी चाहिए हदीस शरीफ में है कि मालिक थाउजेंड इयर्स के बाद जवाब देगा इन नकुम्मा किसून तुम्हें इस जन्म में हमेशा हमेशा रहना है छुट्टी मिलने का सवाल ही नहीं एक हजार साल इंतजार करने के बाद जवाब आया उस वक्त उसकी मायूसी का क्या हाल होगा तो काफिर का दोजख में जी लगेगा ही नहीं और मर्जी नहीं चलेगी उसकी मालिक जो दारोगा है वो जो कहेगा वही करना है और मोमिन जब दूसरी दुनिया में पहुंचा तो हरूफ सीधे हो गए बागनी बागात मिले और ऐसे बागात मिले कि जहां से वो कभी मुंह होना चाहेगा ही नहीं ऐसा जी उसका लग जाएगा जैसे बाग में जी लगता है ऐसा जन्नत में मोमिन का ऐसा जी लग जाएगा के ला युन आन्हा दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहेगा और जन्नत में पहुंचने के बाद मेंिल फी, फी अन फुस व तलजुल आयुन जन्नत में पहुंचने के बाद में जो जी चाहेगा मिलेगा और आंखें ठंडी हो जाएं ऐसे ऐसा मंजर होगा आजकल दुनिया हाईवे के दोनों तरफ शानदार दरख्त लगाते हैं फूल फुलवा दिया ताकि आदमी ड्राइविंग करता भी जाए दाएं बाएं दरख्तों का मंजर भी देखता जाए तो जन्नत में भी आंखों की ठंडक है ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे जिससे आंखों को सुरूर हासिल होगा और उसी मनाजिर में बीवी भी है हुरे भी हैं और हुरे और बीवी के अलावा जन्नत में ऐसे व्यू हैं, ऐसे मनाजिर हैं कि आदमी देखकर खुश हो जाए और जो जी चाहे वो मिलेगा गुलाब जामुन लाओ पलट भर कर आई खूब खाई लड्डू लाओ पलेट भर कर आई तो वो लड्डू भी गुलाब जामुन जैसे ही हैं। तो जन्नत भी कहेंगे ये गुलाब जामुन तो हमने अभी खाए हैं हमने लड्डू मंगवाए हैं तो फरिश्ते कहेंगे ये लड्डू हैं आप खा कर तो देखें अब जो उसे खाया तो, तो लड्डू की मजा आ रहा है। वो ऊतू भी है जन्नात में रिस्क कलाएगा हम शक्ल देखने में दोनों गुलाब जामुन है हालांकि पहला गुलाब जामुन था अब तो लड्डू है उसका मजा लड्डू जैसा है एक जैसे फल रिस्क लाया जाएगा जन्नत में अब तबीयत हसाश बश्स हो गई भाई वाह हम समझते थे क्या और निकला क्या एक मौलाना साहब ने ये मजमून बयान किया कि जन्नत में जो जी चाहे मिलेगा तो एक देहाती ने पूछा अजी मौलवी जी जन्नत में हुक्का भी मिलेगा यूपी में देहाती हुक्ते के बड़े आशिक तो उसने पूछा कि जन्नत में हुक्का भी मिलेगा आज के कहे भाई जन्नत में बीड़ी मिलेगी पीने को सिगरेट मिलेगी पीने को तो मौलाना साहब ने कहा कि अगर तेरा जी इस गंदी चीज को पीने को चाहेगा तो जरूर मिलेगा बीड़ी भी मिलेगी सिगरेट भी मिलेगी होक्का भी मिलेगा मगर जन्नत में आग नहीं बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा होक्का भरने के लिए जाओ जहन्नम में से आग लेकर आओ क्यों जन्नत में आग तो है नहीं तो आपके बगैर चंगा चिंगारियों के बगैर होगा कैसे ताजा हो, हो जाओ जानना में भर करो। बहर अल्लाह पाक जल्ला शाह नहु अम्मा ने हमारी इस जिंदगी को बड़ा शानदार दिल फरेब जिस पर दिल रीझे ऐसी जिंदगी बनाई है इन्ना जालनाबलुअन ये जमीन हमने पुरफुरेब बनाई है और जमीन पर जितनी चीजें हैं जमीन के ऊपर उगती हैं ऊपर देखो तो चांद तारे हैं हवाएं हैं ये जमीन पर जितनी चीजें हैं हमने जमीन के लिए ब्यूटी बनाया इसलिए बनाया है कि हम तुम्हें जांचना चाहते हैं कि तुम में से फर्स्ट डिवीजन में कामयाब कौन होता है और कौन सबसे ज्यादा शानदार अमल करके आता है और जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे कौन हासिल करता है ये जानने के लिए हमने इस दुनिया को ऐसा पुरफरे बनाया हिंदुस्तान में एक बड़े आलिम गुजरे हैं हजरत मौलाना अबुल हसनात अब्दुल अब्दुल्हई लखनवी कुरू डेढ़ सौ साल पहले गुजरे हैं लखनऊ के बड़े आलिम गुजरे हैं उनके वालिद हैदराबाद नवाब के यहां वजीर थे तो उस पैसों की कोई कमी नहीं थी उनका एक ही लड़का था वो पढ़ता था तो वालिद ने कमरे के हर दरवाजे पर जूते चप्पल रख रखे थे और उस तालब इल्म की हर जरूरत उस कमरे में महिया कर रखी थी ताकि उसका एक मिनट भी जाए ना हो जिधर दरवाजे जाए वहीं चप्पल है उधर गया तो वहां भी चप्पल है इधर गया तो वहां भी चप्पल है केला खाने को तो केला भी रखा है आइसक्रीम खाने को तो आइसक्रीम भी रखी है जामन खाने को तो जामन भी रखा है ऐसा उन्होंने इंतजाम कर रहा था क्योंकि वजीर थे हैदराबाद की गवर्नमेंट के वजीर थे पैसों की कमी नहीं थी तो बेटा पढ़ रहा है उसके लिए इंतजाम कर रखा है तो अल्लाह ताला ने हम बंदों के लिए यह दुनिया में हर चीज मुहैया कर रखी है ताकि देखें कैसा पढ़ता है ये कैसा अमल करता है उसी सिलसिले का किस्सा है एक नौकर भी बैठा रहता था वो कमरे में तालिब इलम पढ़ता था वहां एक नौकर भी बैठा है जो कहना इसे कहो तो तालिब इलम ने पढ़ते, पढ़ते पढ़ते नौकर से कहा पानी पिला वो नौकर पानी लेने गया तो अब्बा ने देखा उन्होंने पूछा भाई किसके लिए पानी ले जा रहा है उसने कहा साहेब जादे ने मांगा है तो अब्बा ने कहा कि क्या कर रहा है वो क्या पढ़ रहा है तो इतना अफसोस हुआ इतना अफसोस हुआ कि क्या पढ़ रहा है जिसको पढ़ते हुए प्यास महसूस हुई वो क्या पढ़ रहा है बहुत अफसोस हुआ फिर अचानक जहन में एक ख्याल आया उन्होंने नौकर से कहा ला गिलास और उसमें खाने का कोई तेल मसलन सरसों मूंगफली का तेल जैतून का तेल गिलास भर दिया और ये काजाला जा, ले जाकर दे तो वो तालिब्लम पढ़ रहा था पढ़ते पढ़ते उसने ला कर दिया उसने पी लिया और पी करके गिलास रख दिया और पढ़ रहा वो गिलास लेकर वापस रखने आए कि क्या हुआ तो उसने कहा वो तो मैंने साहिबजादे को दिया उन्होंने पी लिया और गिलास मुझे वापस कर दिया तो खड़े हुए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए दो नफलें पड़ी और कहा कि उसको प्यास लगी नहीं अचानक ख्याल आ गया पढ़ते पढ़ते उन्होंने तेल पी लिया उसको पता नहीं चला कि मैं क्या पी रहा इसका मतलब यह कि उसको होश नहीं है वो इतना किताब में मगन है कि उसको होश ही नहीं रहा अल्लाह का शुक्र बजा लाए दो नफलें पढ़ी तो मेरे भाइयों इसी तरीके पर मोमिन को इस दुनिया के अंदर रह करके अगली दुनिया की तैयारी करनी असल जिंदगी आगे आ रही है और ये बात हर मोमिन जानता है और यहां सब मोमिन है कि अगली जिंदगी आगे आ रही है और यहाँ इस जिंदगी में शॉर्ट पीरियड है पचास साल साठ साल सत्तर साल अस्सी साल खत्म और उसके बाद मर जाना है इसी वजह से इंसान की बॉडी कमजोर बनाई अस्सी साल होते होते हर चीज जवाब दे जाती है पैर जवाब दे गए हाथ जवाब दे गए आंख नाक कान हर चीज जवाब दे गई स्ट्रांग बॉडी नहीं बनाई अगर ये स्ट्रांग बॉडी बनाती जैसे कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी तो साठ हाथ का कद होगा उतना ही मोटा ताजा होगा और काफिर की एक ओहुद पहाड़ जितनी बड़ी होगी अगर ऐसा बदन अल्लाह ताला इस दुन, इस दुनिया में बनाते तो हजारों साल अमल करना पड़ता तब जन्नत मिलती अब तो हजारों साल अमल नहीं करना पचास साल अमल करना है कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अमल नहीं करना उसके बाद मर गए और ये बदन फिनिश मिट्टी में मिल गया रल मिल गया फिर जब दोबारा सूर फूकेगा तो उस वक्त में हमारी बाडी के जो अज्जा मिट्टी बन गए हैं वो सारी मिट्टी जमा हो करके हत्ता के बच्चा पैदा होता है तो खतना की जो खाल काट कर फेंक देते हैं वो मिट्टी बन जाती है वो मिट्टी भी आएगी और इसी पहली बाडी की मिट्टी से दूसरी बाडी बनेगी और वो इतनी मजबूत बनेगी कि जन्नती जन्नत की नेमतों से ताबद मुतमद होगा और जहन्नमी जहन्नम के अजाब से हमेशा सजा पाता रहेगा लिहाजा मेरे भाइयों इस दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है कोई कमी नहीं रखी है हर चीज महिया की है क्योंकि इंसान को अमल के लिए भेजा है पढ़ने के लिए बिठाया है मुताला कर रहा है उसको इस जिंदगी में पढ़ने और मुताले के अलावा कोई होशी नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला इस मजमून को समझने की तोहफी कता फरमाए काम करने की तोहफीकता फरमाया और हमारी अगली जिंदगी को अल्लाह शादाब बनाए अल्लाह खुशहाल बनाए यहाँ की जिंदगी तो जैसे वैसे गुजर जाएगी कुछ ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है वदरे जरूरत तो फिक्र करना है हदीस शरीफ में है कसबुल हलाल फरी बादल फरी हुआ हलाल रोजी कमाना अल्लाह ने फर्ज किया है मगर सेकंड नंबर का फर्ज है फर्स्ट नंबर के काम और है नमाज पहले पढ़ो फिर रोजी कमाओ हज पहले करो फिर नौकरी करो जक़ात पहले दो फिर तुम कि मैं जक़ात निकालूंगा तो बैलेंस कम हो जाएगा कारोबार में नुकसान पहुंचेगा कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा जक़ात निकालो फिर जो बाकी सरमाया बचे, उससे कारोबार करो रोजा पहले रखो फिर हल चलाओ दोपहर तक अगर दोपहर के बाद हल नहीं चला सकते तो बंद करो सुबह से दोपहर तक ही हल चलाओ रोजा पहले रखो तो हलाल रोज़ी कमाना अल्लाह ने फर्ज किया है और यह फर्स्ट नंबर के फर्ज के बाद दूसरे नंबर का फर्ज है अल्लाह ताला हमको ये मजमून समझने की और उस पर अमल करने की अल्लाह हमें तोहफी कता फरमाया मेरे भाईयों मोमिन का मिलना भी अल्लाह के लिए होता है और जुदा होना भी अल्लाह के लिए होता है एक हदीस है कि क्यामत के दिन मैदान में जब सूरज एक मील के फासले पर आ गया होगा और हर आदमी पसीने में शराबूर होगा उस वक्त सात किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला अपना साया इनायत फरमाएंगे जबकि अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा अल्लाह अपना साया, यानी अपना पैदा किया हुआ साया, Allah की जात का साया नहीं ये साया अल्लाह पैदा करेंगे और अल्लाह का साया तशरीफ के लिए इजाफत है जैसे बैतुल्ला बैतुल्ला का ये मतलब थोड़ी ही है कि अल्लाह तला वहां रहते हैं बैतुल्ला का मतलब ये है कि वो मज्जत मोहतरम घर है इसी तरह से अल्लाह का साया ये इजाफत तशरीफ के लिए है अल्लाह उनके लिए साया पैदा करेंगे और उस उस चिलचिलाती धूप में अल्लाह ताला उस आय में उनको रखेंगे उन सात किस्म के लोगों में ये भी है रजुल्लाफर ले दो बंदे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए इकट्ठा हुए इसी मोहब्बत पर इकट्ठा हुए जुदा हुए इसी मोहब्बत पर जुदा हुए अब कल मेरा सफ़र है चंद दिन आप हजरात के साथ रफाकत रही हम सब साथ रहे कुछ दिन की टूटी फूटी बातें कहने का मौका मिला अल्लाह कबूल फरमाए और अब हम कल जुदा हो जाएंगे हमारा ये जुदा होना भी अल्लाह के लिए अल्लाह ताला इस इकट्ठा होने को भी कबूल फरमाए और जुदा होने को भी कबूल फरमाए। वाहिर उदा वाह ना

हमारी हसनात में बरकत पैदा फरमा या अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाइया अता फरमा आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम के आदाब से हमारी हिफाजत फरमा अ मेरे मौल हम आपसे ऐसे इल्म की दरखास्त करते हैं जो इल्म हमारे लिए दुनिया और आखिरत में मुफीद हो अ मेरे मौल हमें ऐसे कामों की तोफ़ी अता फरमा जो तेरे नजदीक मकबूल हों या अल्लाह हमें रोशन दिल अता फरमा हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हिदायत की रोशनी फैला दे या अल्लाह दज्जाली फितनों से हमारी हिफाजत फरमा या अल्लाह तहजीब जदीद के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा या अल्लाह हम में जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आता फरमा सेहत आजला आता फरमा या अल्लाह जो किसी टेंशन में और परेशानी में हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा अरे मेरे मौला हमारे अमवाद की मक़फ़रत फरमा जो दुनिया से बंदे गुजर गए उनकी बाल बाल मक़फ़रत फरमा हमारी मगफिरत फरमा हमारे माँ बाप की मगफुरत फरमा وتمام مُسْلِمَان مردون کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله